सेना में जाने का सपना रखने वाले युवा एनडीए से भलीभांति परिचित होते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद एनडीए ही वो माध्यम है जिसके एग्जाम को क्रैक कर आप सेना में अफसर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको एनडीए से जुड़ी सभी जानकारी देंगे। एनडीए क्या है, एनडीए एग्जाम कैसे होता है, एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, एंट्रेंस एग्जाम और उसका सिलेबस और भी बाकी जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव का विशेष सेगमेंट एजुकेशन मित्र। भारत के ज्यादातर स्टूडेंट्स का सपना आर्मी में जाने का होता है। इसके लिए वह लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। इंडियन आर्मी में जाने के कई माध्यम हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाला माध्यम एनडीए है। 12वीं के बाद से ही स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाने के लिए दिशा मिलती है और भारतीय सेना में जाने के लिए एनडीए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल कि एनडीए होता क्या है, यानी कि व्हाट इज एनडीए। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनडीए को हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहते हैं। ये पुणे में स्थित अकादमी है जो विद्यार्थियों को भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना के लिए शिक्षित करती है। ये विश्व की सबसे पहली त्रिकोणीय अकादमी है। इसे ज्वाइन करने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है जो वर्ष में दो बार UPSC द्वारा आयोजित होती है। UPSC नाम सुनते ही आपको TVF की एक वेब सीरीज एस्पिरेंट्स की याद आ गई होगी। मैं आपको बता दूं, UPSC से सिर्फ IAS नहीं बनते, सेना के बड़े अफसर भी बनते हैं। इस परीक्षा के बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है जो SSB यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आयोजित करता है। इन दोनों में पास होने के बाद आपको NDA में दाखिला मिलता है, जहाँ पर आप 3 साल तक शिक्षित होते हैं। 3 साल के प्रशिक्षण के बाद विद्यार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार अथवा 3 साल के प्रदर्शन को देखकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में से एक ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आर्मी चुनने वाले विद्यार्थी IMA देहरादून जाते हैं, नेवी वाले इंडियन नेवल एकेडमी केरला जाते हैं और एयरफोर्स वाले AFA हैदराबाद जाते हैं, जहाँ वे एक और साल का प्रशिक्षण लेते हैं और उस 1 साल के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि NDA ज्वाइन कैसे करें। तो NDA के एग्ज़ाम की तैयारी आमतौर पर विद्यार्थी 12वीं के बाद करते हैं, लेकिन आप इसे 11वीं से ही शुरू कर सकते हैं। 11वीं से शुरू करने पे आपको एक फ़ायदा मिलेगा जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के लिए आपकी मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देना होगा। NDA के फॉर्म वर्ष में 2 बार निकलते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। NDA एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको UPSC की वेबसाइट पर जाना होगा। पहले पेज पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जैसे कि आपका नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, आधार कार्ड का नंबर आदि। इसके बाद दूसरे पेज पे आपको अपना ऑप्शन चुनना होगा, यानी कि प्रेफरेंस, एयरफोर्स, नेवी या इंडियन आर्मी। इसके साथ ही आपको ये डिटेल्स भी देने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या आप किसी मिलिट्री या सैनिक स्कूल के छात्र हैं या किसी JCO या NCO या किसी ऑफिसर रैंक वाले के बेटे तो नहीं हैं। इसके बाद तीसरे पेज पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई जाएगी जो भी आपने फिलअप की होगी। उसको वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि सबमिट करने के बाद आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चौथे पेज पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID शो करेगा। उसके साथ ही आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भी शो होगा, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर इत्यादि, जो भी आपने पहले पेज पे फिलअप किया होगा। आपका रजिस्ट्रेशन ID आपके ईमेल ID पे भी सेंड किया जाएगा। अब NDA से जुड़ी हुई परीक्षा के बारे में बातचीत करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आप इसके लिए 11वीं से तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है 12th पास होना। NDA एग्ज़ाम के कैंडिडेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12th एग्ज़ाम का पास होना माना जाता है, लेकिन जो बच्चे 12th में हैं यानी कि अपीयरिंग है, वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। NDA एग्ज़ाम में केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती। इस एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट को पूरी तरीके से फिजिकली फिट होना चाहिए। कैंडिडेट्स को निम्नलिखित बीमारी में से कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। पहला वैक्स, दूसरा डेविएटेड नेजल सेप्टम, तीसरा पाइल्स, चौथा अंडरवेट या ओवरवेट, पांचवा टॉन्सिलिटिस। ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं।
एनडीए एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी तरीके से फिजिकल फिट होना होगा। इसमें आपकी हाइट, वेट, आईसाइट, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। एनडीए एग्ज़ाम के लिए मिनिमम हाइट 157 होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में, और गोरखाओं और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और कुमाऊं के पहाड़ियों से संबंधित लोगों के लिए हाइट में 5 सेंटीमीटर तक की छूट है। अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपका वेट भी देखा जाता है। ये सभी चीज़ें रजिस्ट्रेशन के टाइम आप यूपीएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो उम्र 16 साल से 20 साल के भीतर की होनी चाहिए। एज लिमिट की भी सटीक जानकारी आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर आपकी उम्र 16 साल से अधिक हो चुकी है तो आप एनडीए एग्ज़ाम का फॉर्म तो भर ही सकते हैं। अब फॉर्म भरने के बाद होता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होंगे। तो एग्ज़ाम के दो भाग होते हैं, रिटन टेस्ट के भी दो भाग होते हैं। पहला मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम, दूसरा जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों मिला के आपके कुल मार्क्स 900 के होते हैं रिटन टेस्ट में, जिसमें 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है और 600 मार्क्स का जीएटी का पेपर होता है। दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, और एक नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की होती है, यानी कि जितने अंक का सवाल है उसका 0.33 भाग। यानी कि अगर आपने 3 सवालों के जवाब गलत दिए हैं तो एक सही उत्तर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका एसएसबी राउंड होता है, इसमें भी कुल मार्क्स 900 ही होते हैं। इसके लिए 4 से 5 दिन का समय होता है। एसएसबी राउंड में आपके 2 टेस्ट होते हैं, पहला साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट। अब एनडीए का जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो बच्चों के लिए निकालना मुश्किल होता है। इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारियाँ कैसे करें, आगे की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होगी। एनडीए के रिटर्न एग्जाम को, जैसा मैंने आपको बताया, 2 भागों में लिया जाता है। पहला भाग मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स के सिलेबस की अगर बात की जाए तो इसमें 11th और 12th का सिलेबस मुख्य रूप से आता है। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सेट्रा। जीएटी के अंदर लगभग सारे सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि साइंस के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स भी होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट मूवमेंट, हिस्ट्री मूवमेंट एक्सेट्रा, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो इसके लिए इस परीक्षा को सबसे ज़्यादा कठिन बनाता है। अगर बात की जाए एक चीज़ की तो आपको बता दें कि अगर आपका मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर है तभी आपका सेकेंड पेपर जो है वो चेक होता है। पहले पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 11th और 12th के बेसिक स्तर के सवाल पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 11वीं ढंग से पढ़ी हुई है और 12वीं का आधा सिलेबस भी कंप्लीट किया हुआ है तो भी बच्चा मैथ्स का पेपर आसानी से निकाल सकता है। हल्की फुल्की नॉलेज 9वीं और 10वीं के कुछ एक टॉपिक्स की होनी चाहिए, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री आपकी बढ़िया हो तो बेहतर होगी। अलजेब्रा आपकी जितनी बेहतर होगी उतना आपके लिए बढ़िया होगा। दूसरी परीक्षा जीएटी, इसके अंदर मुख्य रूप से अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश के सवाल होते हैं। इंग्लिश के बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय फिजिक्स बन जाता है। फिजिक्स के थोड़े से टफ सवाल होते हैं। केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10वीं के स्तर की होती है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी, यानी कि अगर हिस्ट्री की बात की जाए, पॉलिटी की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की बात की जाए और ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी हालांकि थोड़ी सी टफ होती है, 11वीं 12वीं के स्तर की होती है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट सिर्फ 10वीं के स्तर के होते हैं। करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपके लिए किताब और किताबों के लेखक बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और पिछले वर्ष में दिए गए कुछ अवार्ड्स भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको इन दोनों चीज़ों का ज्ञान है तो करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम भी आपके लिए निकालना आसान हो जाता है। एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं, और मुझे लगता है कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहली बात, अगर आप इसे 12th के साथ करना चाहते हैं तो आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपकी 12वीं की पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 12th के बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कोई कोचिंग ले सकते हैं, और अगर आपको कोचिंग नहीं लेना है तो आपको नियमित रूप से एक चीज़ अपने जीवन का भाग बनानी पड़ेगी, वो ये है कि आपको प्रत्येक दिन एक टेस्ट सीरीज़ देना है।
वजह यह है कि बच्चों के लिए मुश्किल कंसेप्ट नहीं होता, बच्चों के लिए मुश्किल ये होता है कि तय सीमा के अंदर ही उन सारे सवालों को क्रैक कैसे किया जाए। इस चीज़ के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए और सिलेबस के हिसाब से उसको रोज़ाना फॉलो कीजिए। सिलेबस के लिए सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय देना होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा समय डालिए और जिसके प्रश्न ज़्यादा हैं उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। मैथमेटिक्स 11वीं और 12वीं के स्तर की होती है, इसलिए मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए कई अच्छी बुक्स भी हैं जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथमेटिक्स की जो किताब है वो आप अलग से ले लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि उसके अंदर आपकी पूरी मैथमेटिक्स की रिविज़न हो जाए। बाकी सभी विषयों के लिए आप कोई भी एक किताब प्रेफर कर सकते हैं। अरिहंत की एक किताब आती है जो मुझे बेहद पसंद है, आप उसको ले सकते हैं। इंटरनेट से भी आप मदद ले सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स को आप खूब सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपका स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मैथमेटिक्स के ऊपर आपको मुख्य रूप से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है कि कैसे कम समय के अंदर आप सवालों को क्रैक कर पाएँ। इसका एक सीधा सीधा मतलब है, एग्ज़ाम के अंदर कोई भी ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा जो बहुत ज़्यादा देर के बाद आपको उत्तर दे, वो एक या दो या मैक्सिमम तीन स्टेप्स के अंदर आपको उत्तर दे देगा। तो आपको ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टेक्निक्स जाननी होगी जिससे आप जल्दी सवाल का उत्तर निकाल सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अलजेब्रा के किसी सवाल में जीरोस फाइंड करने हैं तो अगर आप पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे तो शायद वो उत्तर डेढ़ पेज का हो जाए, लेकिन आप अगर मस्तिष्क का इस्तेमाल करके हिट एंड ट्रायल के मेथड पे जाएं या ऑप्शंस को पुट करके देखें तो आपका वो उत्तर 30 सेकंड या 45 सेकंड के बीच में आ जाएगा। इस तरीके को फॉलो करने से आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर GAT की बात की जाए तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए, इसके लिए आप सिनोनिम्स के ऊपर काम कीजिए, पैसेजेस को सॉल्व कीजिए, उन शब्दों को ढूंढने के ऊपर काम कीजिए जिन्हें एमिट किया जा सकता है या जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, क्योंकि परीक्षा के मुख्य भाग में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन आर्मी से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको भी पढ़िए, जैसे कि प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे, फील्ड मार्शल कौन कौन रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और एग्ज़ाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही ये तय करता है कि बाकी प्रतियोगियों में और आप में क्या अंतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सवाल हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट्स के ज़रिए या खुद आपके सवालों का उत्तर दूं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर भी आप हमको हमसे कॉल करके काउंसलिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।